हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है योगा एवं योगिक क्रियाएं। दोस्तों, तीन पार्ट में ये पूरा होगा। जैसे कि पहले पार्ट में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होगा, वन लाइनर के माध्यम से उसे बताया जा रहा है और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अलग से भी वीडियो बना दूँगी इन सब टॉपिक पर। दूसरे या तीसरे वीडियो में वही चीज़ें होंगी जो मैंने आपको थ्योरी सेशन में बताया है। तो दोस्तों, एक एक लाइन आप अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चंस कहाँ से उठाता है पता नहीं चलता, लेकिन योगा टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि जितने भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, बट बीपीएससी का सिलेबस में थोड़ा गेम्स रिलेटेड कम पूछता है और सभी चीज़ें आपका जैसे किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, योगा, ओलंपिक एंड पैराओलंपिक एंड टेस्ट मेजरमेंट इवोल्यूशन, ये सभी टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम दिया है तो मुझे अनुभव है। तो दोस्तों, जैसा कि अब सभी टॉपिक मैंने क्लियर कर चुका है और मैं ये योगा वाला टॉपिक के बाद खेल वाला टॉपिक जहाँ तक संभव होगा मैं कराने की कोशिश करूँगी, बट मैं आपको इसके बाद टूर्नामेंट कराऊँगी, उसके बाद कोशिश करूँगी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊँ, क्योंकि मैंने 80 वीडियोज में बीपीएससी टीआई 2 वाले सेशन में मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि वो सभी सारे 79-80 वीडियोज आप फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसा कि टाइम के अभाव में मैं अगर नहीं करा पाती हूँ सभी टॉपिक को, तो वो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कराए जा चुके हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी फिर से कोशिश पूरा करने की। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का गृहिता ग्रहण तथा ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है समापत्ति। नेक्स्ट है, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ आता है? तो वह होता है क्रम। जैसा कि दोस्तों, जो योग है यह भारतवर्ष की देन है। क्वेश्चन आ सकता है कि योग कहां या किस देश की देन है, तो भारतवर्ष की देन है। और इसकी जो उत्पत्ति के प्रमाण जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, जो 3000 ईसा पूर्व में है। जैसे कि जो वेदों की क्रियाओं का वर्णन जो है वेदों, उपनिषदों, रामायण तथा महाभारत में योग क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। जैसा कि क्वेश्चन एक बार आया भी था कि योग का वर्णन कहाँ मिलता है, ऑप्शन बहुत सारे थे, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, उपरोक्त सभी। तो वहां पर उपरोक्त सभी आपका राइट था। और योग सूत्र की रचनाकार महर्षि पतंजलि हैं और महर्षि पतंजलि पुष्य मित्र सुंग के शासनकाल में थे, क्योंकि जीके का भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महर्षि पतंजलि किसके शासनकाल में थे, तो पुष्य मित्र सुंग के शासनकाल में थे। और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में अष्टांग योग की रचना की है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग की बात कहा है। और योग प्रतीप की रचना किया है श्री अरविंद ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको बताना जरूरी था। और योग शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत युज धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलना या मिलन या संयोग, यानी आत्मा का परमात्मा या दिव्य आत्मा से मिलन ही योग है, यानी जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण ही योग है, यानी कि मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण भी योग है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि योग क्या है, शारीरिक एकीकरण है कि मानसिक है कि बौद्धिक है कि आध्यात्मिक है, तो ये सभी पहलुओं का एकीकरण क्या है, योग है। ठीक है, और सभी के अनुसार परिभाषाएं अलग अलग है जो मैं थ्योरी सेशन में डिटेल में बता चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? तो दोस्तों, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि को बताया है। तो जैसे कि यम में है सामाजिक अनुशासन आता है, जिसमें परहेज किया जाता है, जिसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय,
अपरिग्रह अब्रह्मचर्य आता है, जबकि नियम जो है वो व्यक्तिगत अनुशासन होता है जिसमें शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर को समर्पण आता है। तो उसमें उनका कहना है कि जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय मतलब ज्ञान की प्राप्ति तथा विचारों में पवित्रता लाने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना होता है। और इनके महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार जो है वह स्वाध्याय से होता है। नेक्स्ट है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा या तीसरा के अभाव की स्थिति है, तो उसे पर वैराग्य कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, योग के फल स्वरूप कौन कौन है, योग के स्वरूप कौन कौन है, तो दोस्तों योग के स्वरूप हैं मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग। योग के प्रकार बताए हैं उन्होंने, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग। ठीक है, योग के 8 अंग हैं, आप सबको पता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने थ्योरी वाले सेशन में डिटेल में बताया है कि योग के प्रकार 7 प्रकार के होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग, जिसमें से कर्म योग कर्म करने का योग है, ज्ञान योग ज्ञान और विवेक का योग है, हठ योग शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला योग है, जबकि राज योग जो है वह मन के जागरण तथा ज्ञान केंद्रों को जगाने का योग है, मंत्र योग क्षण कंपन का प्रयोग करते हुए मन को स्वतंत्र करने का योग है, जो लय योग है वो व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग है, भक्ति योग जो है वो सघन भक्ति करने का योग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन, मनन, सतपुरुषों का संग एवं वैराग्य ज्ञान की कौन सी भूमिका है, तो इसे विचारणा कहते हैं, विचारणा बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से हैं, सम, विचार, संतोष, सतपुरुषों का संग, ये वो योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल हैं। नेक्स्ट दोस्तों, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव होना ही क्या है, आसन है। नेक्स्ट है योग तत्वोपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा को कितनी देर तक करने का निर्देश है, तो 5 घड़ी। ठीक है, 5 घड़ी करने का निर्देश है। नेक्स्ट है योग तत्व उपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है, तो योग तत्व उपनिषद में हठ योग के 8 तत्व अंग का उपयोग उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए, तो सिद्धासन एवं वैष्णवी मुद्रा में करना चाहिए। ये सभी कैसा होता है, इस सभी की वीडियोज भी मैं लाऊंगी दोस्तों। नेक्स्ट है पतंजलि योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का क्या अर्थ है, तो जो प्रथम सूत्र है पतंजलि योग सूत्र का, दोस्तों पतंजलि ने योग सूत्र में 4 अध्याय यानी पाद बांटे हैं, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद एंड कैवल्य पाद। तो समाधि पाद में योग का शब्द का अर्थ इन्होंने समाधि दिया है। उन्होंने बताया है कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। नेक्स्ट दोस्तों, सटकर्म, आसन, प्राणायाम और ध्यान किसके महत्वपूर्ण साधन है, तो दोस्तों ये सभी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण साधन है। जैसे कि सटकर्म 6 होते हैं, नेति, दोति, नौली, वस्ति, त्राटक, कपाल भाति। नेति जो होता है वो नाक को साफ करने के लिए होता है, जिसमें जल नेति या सूत्र नेति होता है। दोति जो होता है अमाशय नली को साफ करता है। नेति, दोति, नौली जो है हमारे पेट को, मांसपेशियों को मजबूत करता है। नेति, दोति, नौली, वस्ति, वस्ति जो है बड़ी आंत को साफ करता है। ठीक है, तो नेति, दोति, नौली, वस्ति, कपाल भाती जो हमारे मस्तिष्क को तेज करता है, एक धौकनी की भांति केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है। और त्राटक, त्राटक क्या होता है दोस्तों,
ये किसी एक बिंदु व वस्तु पर लगातार ध्यान देना एकाग्रता क्षमता को बढ़ाता है। ये छह आपके सत्कर्म है। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये 2015 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, योग चिकित्सा किसके मध्य संतुलन बनाने में सफल है? तो दोस्तों, योग चिकित्सा जो है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों तंत्रों में संतुलन बनाए रखने में सफल है। नेक्स्ट है, योग किन समग्र सिद्धांतों पर क्रियान्वित होता है? तो दोस्तों, यह हमारे बॉडी और दिमाग और अंगों में सामंजस्य और एकता को एकात्मकता को क्रियान्वित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी चीजें। नेक्स्ट दोस्तों, आध्यात्मिक पद योग की व्याख्या किस चेतना के मिलन के रूप में की गई है? तो यह व्यष्टि और सार्वभौम चेतना के रूप में की गई है। नेक्स्ट है, सभी क्लेशों की जननी है। तो दोस्तों, अविद्या जो है सभी क्लेशों की यानी दुखों की जननी होती है। नेक्स्ट है, दुख दुर्मनस्य अंग मेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः, यह पतंजलि योग सूत्र किसके लक्षणों के बारे में बतलाता है? यह भौतिक शरीर के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है, आप योग कक्षा के आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम परिवेश का निर्माण करते हैं, वातावरण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक योगाभ्यासी को मिताहार यानी कम आहार करते समय उदर का कितना भाग रिक्त रखना चाहिए? तो दोस्तों, 1/4 भाग हमेशा रिक्त रखना चाहिए। यानी जो भी योगाभ्यासी है, कभी भी उसको फूल पेट नहीं खाना चाहिए, भर पेट नहीं खाना चाहिए। 4 भाग में 1 भाग उसको खाली रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर ज्यादा भार ना हो, क्योंकि किसी भी चीज पर ज्यादा भार देंगे तो वो लोड नहीं सहन कर पाएगा और बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आने लगते हैं। इसलिए मिताहार यानी कि 1/4 भाग पेट का खाली रखना चाहिए, 3 भाग ही भरना चाहिए जब भी भोजन करें। नेक्स्ट दोस्तों, मंद और गुरु गुणयुक्त आहार किस प्रकृति के व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है? तो कफ प्रवृत्ति के लोगों के लिए। जैसे हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात पित्त और कफ, किसी किसी में एक दोष पाया ही जाता है, तो उसके अनुसार आहार ग्रहण करना चाहिए। वात पित्त कफ क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है, कौन सा योग शुद्धि से संबंधित है? तो दोस्तों, हठ योग जो है वह योग शुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट, योग में कितने तत्व बताए गए हैं? तो यहाँ पे 26 दिया हुआ है दोस्तों, मैं कंफर्म नहीं हूं। नेक्स्ट दोस्तों, उस तत्व का नाम बताएं जिससे पंच ज्ञानेंद्रियों तथा पंच कर्मेंद्रियों में परिवर्तन होता है। तो 10 इंद्रियां होती है, मैं 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिया हमारा त्वचा, आंख, कान, जीभ एंड आंख, ये सभी क्या है, कर्म ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है? तो यहां पे वह तत्व का नाम बताइए जिसे 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्म इंद्रियों में परिवर्तन होता है। तो वह होता है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ संचालित होता है। नेक्स्ट है, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार अध्यापन विधियां कितनी है? तो 7 प्रकार के हैं। नेक्स्ट है, हठ योग प्रतिपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताएं जिसे गोपनीय कहा गया है, वह है त्राटक। नेक्स्ट दोस्तों, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताएं जिसका अभ्यास करते हुए अथवा बैठे बैठे भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताएं जिसका अभ्यास चलते हुए और बैठे बैठे भी किया जा सकता है। चलते हुए भी कर सकते हैं और बैठे बैठे भी, होता है उज्जायी प्राणायाम।
नेक्स्ट दोस्तों, जांघों के अंदर की ओर पैरों के दोनों तलवों को मोड़कर स्थिर अवस्था में शरीर को सीधा रखना क्या कहलाता है? तो यह स्वास्तिकासन कहलाता है। यह सिद्धासन जैसे ही होता है, थोड़ा ही अंतर होता है, जिस मुद्रा में हम खाना खाने बैठते हैं जमीन पे, वही मुद्रा स्वास्तिकासन जैसा होता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किसके नाद का स्फुरण होता है? तो वह वीणा के नाद का स्फुरण होता है। नेक्स्ट है, पंच उपप्राण में से डकार द्वारा कौन सी प्राण उदरीय दबाव को हल्का करती है? तो नाग प्राण जो है उदरीय दबाव को हल्का करती है। नेक्स्ट है, व्योम पंचक का निर्माण किस ग्रंथ में किया गया है? तो यह सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, गोरक्ष संहिता में कितनी मुख्य नाड़ियों के नाम बताई गई हैं? तो गोरक्ष संहिता में 10 नाड़ियों की बात बताई गई है, नाम बताया गया है, लेकिन नाड़ियां होती हैं 72,000 नाड़ियां, और मुख्य रूप से हमारी हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, जो पिंगला हमारा दाएं नाक की जो नली होता है वो सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी कहलाता है, और जो गर्म का उत्तेजना का प्रतीक है, और जो बायां नाक होता है उसे चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी कहते हैं, जो शीतलता का प्रतीक होता है, और जो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कार्ड जाती है उसे सुषुम्ना नाड़ी उसी के द्वारा होता है, जहाँ पे 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है? तो वह होता है उड्यान बंध। तो दोस्तों, बंध जो है मूल बंध, उड्यान बंध, जालंधर बंध और महाबंध होता है, चार प्रकार के। नेक्स्ट है, शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शक्ति रूपा कहा जाता है? तो चित्रा नाड़ी को शक्ति रूपा कहा जाता है। नेक्स्ट है, घिरंड संहिता के अनुसार सांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है? तो ध्यान योग की प्राप्ति होती है सांभवी मुद्रा में। मुद्रा कई प्रकार की होती है दोस्तों, जैसे ज्ञान मुद्रा में हमेशा हम बैठते हैं अपनी अंगूठा और जो अनामिका है उन दोनों को आपस में मिलाकर हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? तो चार प्रकार के। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वांग शोधन किस क्रिया के द्वारा किया जा सकता है? तो यह भस्ति और भस्त्रिक्रम में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, घेरंड संहिता के अनुसार बहिष्कृत धौती किस प्रकार है? तो अंतः धौती होता है। नेक्स्ट दोस्तों, घिरंड संहिता में दंत मूल धौती के लिए किस रस का प्रयोग बताया गया है? तो वह खद्र रस का प्रयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, घिरंड संहिता के अनुसार किस आसन के से कुंडलिनी जागरण संभव है? तो घिरंड संहिता के अनुसार भुजंगासन से कुंडलिनी जागरण किया जा सकता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसके बारे में एक वीडियो बना दूंगी, उसी को कुंडलिनी कहते हैं। नेक्स्ट है, त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कंद से निकलने वाली मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? तो 10 है। यहां पे कंद है कि कंध है दोस्तों, कंधे की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश एवं मृत्यु का भय किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है? तो दोस्तों, महामुद्रा से महाक्लेश और मृत्यु का भय समाप्त होता है। याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है कि महामुद्रा से महाक्लेश और मृत्यु का भय दूर हो जाता है इसके अभ्यास से। नेक्स्ट है, हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या है? तो विषय विस्मृति यानी विषयों का विस्मृत हो जाना, भूल जाना।
नेक्स्ट दोस्तों प्रश्नोपनिषद के अनुसार ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित है, तो वह प्रणव से संबंधित है। नेक्स्ट है भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हितेरता किस योगी के लक्षण हैं, तो वह भक्ति योगी के लक्षण हैं। नेक्स्ट है योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की षष्ठ अवस्था क्या है, वह है पदार्थ भावना। नेक्स्ट है मुंडकोपनिषद में ईश्वर के सिर यानी मुंड की किससे तुलना की गई है, तो अग्नि से। नेक्स्ट है हठ प्रदीपिका के अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन लाभकारी होता है, तो मयूरासन। नेक्स्ट है स्वात्मा राम के अनुसार हठ क्रियाओं में कौन सी क्रिया श्रेष्ठ होती है, वह होती है नौली क्रिया। पेट को दाएं बाएं और सेंटर में घुमाया जाता है। नेक्स्ट है योग सूत्र के अनुसार क्लेश व कर्म निवृत्ति का उपाय है, तो धर्म मेघ समाधि जो है वह योग सूत्र के अनुसार क्लेश व कर्म निवृत्ति का उपाय है। नेक्स्ट है महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय तथा विक्षेप सभूव को दूर करने का उपाय क्या है, वह है एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना। नेक्स्ट है घिरंड संहिता के अनुसार कपाल रंध्र धोती किस धोती का प्रकार है, तो वह है दंत धोती का प्रकार। नेक्स्ट है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सर्व इंद्रिय जय तथा आहार निद्रा जय किसके द्वारा होता है, तो वह यम से होता है। नेक्स्ट है कुंडलिनी चक्र नाड़ी आदि किस योग के साथ संबंधित हैं, तो वह हठ योग से संबंधित है। नेक्स्ट है किस योगी ने वैदिक धर्म के पुनरुत्थान हेतु कार्य किया है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। नेक्स्ट है हठ योग प्रदीपिका अनुसार अवस्था में हठ योग प्रदीपिका के अनुसार निष्पत्ति अवस्था में वायु किस ग्रंथि का भेदन करता है, तो रुद्र ग्रंथि का। इस बात को ध्यान रखिएगा किस योगी ने वैदिक धर्म के पुनरुत्थान हेतु कार्य किया है, तो वो है महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के द्वारा सभी ग्रंथों को पढ़ के इन्होंने उसका सार तत्व दिया हुआ है। नेक्स्ट है हठ रत्नावली के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 20 हस्त होना चाहिए। दोस्तों नेली नेति धोती नौली वस्ती कपालभाति त्राटक ये 6 शुद्धि क्रिया है जिसे षटकर्म कहा जाता है। जो धोती होती है कई प्रकार की वस्त्र धोती और कई प्रकार की धोती होती है जिसमें अमाशय को साफ किया जाता है, पेट को साफ किया जाता है। नेक्स्ट है ईशोपनिषद के अनुसार साधक कब शोक व मोह रहित हो जाता है, तो कब होता है दोस्तों ईशोपनिषद के अनुसार साधक जो है कब शोक और मोह रहित हो जाता है, जब सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव भावना से वह शोक और मोह से रहित हो जाता है, यह बात ईशोपनिषद में कहा गया है। नेक्स्ट है किस उपनिषद में कहा गया है कि वेदांतिक ज्ञान तथा शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष अंत में मुक्त हो जाते हैं, इस बात को कहा गया है मुंडोकोपनिषद में, ठीक है। नेक्स्ट है पतंजलि के अनुसार ध्यान ह्यास तद वृत्तियः का संबंध है क्लेश वृत्ति नाश से। नेक्स्ट है योग का पितामह किसे माना जाता है, तो महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जिन्होंने योग सूत्र ग्रंथ लिखा है जिसमें इन्होंने अष्टांग योग की बात कही है। नेक्स्ट है शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं, दोस्तों तो 8 चरण महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। नेक्स्ट है एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग क्या है दोस्तों, तो वह होता है राजयोग। राजयोग में मन के जागरण तथा ज्ञान केंद्रों की जगाने का योग है। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय योग संस्थान किस शहर में स्थित है,
तो दोस्तों भारतीय योग संस्थान जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय योग संस्थान कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। मोरारजी देसाई योग संस्थान नई दिल्ली में एंड महर्षि पतंजलि योग संस्थान रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों योग दिवस 21 जून 2015 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये मैंने आपको पार्ट वन में योग से रिलेटेड ऑनलाइनर क्वेश्चन के माध्यम से डाउट क्लियर किए हैं, और दो पार्ट इसका और आएगा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।